हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ3 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है होम स्क्रीन लेआउट सेटिंग को अपने चेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये होम स्क्रीन लेआउट सेटिंग जो है काम कैसे करती है, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप ये वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज को ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा होम सेटिंग, इसे सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको ये नीचे ऑप्शन मिलेगा होम स्क्रीन लेआउट का, इसे सेलेक्ट करना है। आपका ये ओवरव्यू हो जाएगा इस तरीके से पेज। आपके मोबाइल फ़ोन की जो होम स्क्रीन पर जितने भी पेज हैं वो सभी के सभी आपको ऊपर दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको नीचे की साइड ये दो ऑप्शन दे रखे हैं, इनका आपको यूज़ करना है 4:6 और ये 5:6 का। देखिए इन दोनों में से आपका पहले से किसी एक ऑप्शन पर सिलेक्टेड होगा, ठीक है। मैं आपको इसका बता देता हूँ 4:6 का। देखिए अगर आप 4:6 पर सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो 4:6 का मतलब क्या हो गया, 4 का मतलब है आपके मोबाइल फ़ोन की जो होम स्क्रीन होती है उस पर जो ऐप्स होते हैं उनकी ऐप्स की चार खड़ी लाइनें, 1, 2, 3, 4, 4 का मतलब ये हो गया। इंटू 6 में 6 का मतलब क्या है, ऐप्स की 6 लेटी हुई लाइनें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 4:6 का मतलब समझ में आ गया, ये होम स्क्रीन लेआउट समझ में आ गई, ठीक है, ऐसे होता है। और अगर आप इसे 5:6 पे सिलेक्ट करेंगे तो ऐप्स की 5 खड़ी लाइनें होंगी और 6 लेटी हुई लाइनें होंगी। यहाँ पे मैं और भी ऐप्स इस नीचे ऐड करूँगा तो यहाँ पे 6ठी लाइन बन जाएगी ऐप्स की, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, आप कोई सा भी बटन, कोई सा भी दूसरा ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको नीचे ये अप्लाई का बटन जरूर दबाना है, ठीक है, तभी आपकी सेटिंग चेंज होगी। तो ये सेटिंग इस तरीके से काम करती है आपकी होम स्क्रीन लेआउट सेटिंग, ठीक है। अब मैं आपको इसे ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूं आपके मोबाइल फोन में। इसके लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ये फिर से ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको है ना, सेटिंग पेज में आपको ये ऑप्शन मिलेगा सबसे ऊपर सर्च आइकन का, इसे सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है, ठीक है, होम स्क्रीन लेआउट, ठीक है। तो आपको जो है नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में लेकर आ जाता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है सेटिंग को ढूंढने का।